LIC प्रस्तुत करता है डिजिटल बाल मेला, बच्चों के लिए बड़ा अवसर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बाल सत्र 12 जून 2023। 68 बच्चे पहुंचेंगे शिमला, 21,000 का इनाम। दिस इज रितिका फ्रॉम ANSGSS बढेड़ा राजपूता डिस्ट्रिक्ट ऊना हिमाचल प्रदेश, देवभूमि एज इट इज नोन। अगर हम बच्चों को अपनी सरकार बनाने का मौका मिले तो सबसे बड़ा परिवर्तन जो मैं एज अ प्राइम मिनिस्टर करना चाहूंगी, दैट इज इन्वॉल्विंग यूथ इन फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट। युवा शक्ति जो हर एक राष्ट्र का प्राण तत्व है, जिसके पास ऊर्जा है, गति है, चेतना है, आज है तथा राष्ट्र का ज्ञान है। सोचिए जब युवा शक्ति शासन एवं प्रशासन का हिस्सा बनेगी तो क्या सुअवसर होगा वो, क्या सुअवसर होगा वो। यूथ ऑफ इंडिया इज नॉट यूजलेस, इट इज यूज्ड लेस। इफ वी टर्न द पेजेस ऑफ आवर हिस्ट्री, इट विल डेफिनेटली रिवील दैट इज डेडिकेशन ऑफ आवर यूथ, फिर चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे स्वामी विवेकानंद। Today's youth are ready to become an entrepreneur, influencers, but why they can't get a position of being a leader? It is a responsibility to make them a real life influencers, but not a real life influencers. I think there are many things that youth can provide in field of politics and government. It may be new thinking, new innovations, and creativity. I stand on this platform and urge every single youth to come up with a shared responsibility and make India a real-time Vishw Guru. At last, I would like to end my say that youth is not a burden. Youth is not a burden, it is boon. Thank you. Jai Hind, Jai Himachal.